नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, कैसे आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों, आज जो है हम जा रहे हैं चंद्रबदनी, जो कि एक सिद्ध पीठ है। 51 सिद्ध पीठों में से एक ये सिद्ध पीठ है, और मैं और मेरे साथ है नेगी। तो दोस्तों, टिहरी की इन वादियों से आज के ब्लॉग की मैं शुरुआत कर रहा हूँ। चलो मैं आपको इन वादियों को दिखा देता हूँ। मुझे पता नहीं इनके गाँव का क्या नाम है, लेकिन बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ आप देख लीजिए नीचे, और नीचे से हम लोग आए हैं। इधर नीचे से नीचे है लच्छमोला, और लच्छमोला से लगभग हम 4-5 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं। तो दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को देखते ही रहिए। तो चलो दोस्तों, चलते हैं। तो जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे देख लीजिए सामने पे, अब कोहरा लगना शुरू हो गया है। हम आप काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके हैं चंद्रबदनी की। लगभग यहां से आप 3-4 किलोमीटर और आगे रह गया है। तो दोस्तों, आप बने रहिए। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं फाइनली अंतिम पड़ाव में। ये है चंद्रबदनी पार्किंग एरिया, और अब यहाँ से हमें चलना होगा पैदल लगभग 1 किलोमीटर ऊपर। तो चलो दोस्तों, बिना देरी किए हुए जल्दी से चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर नीचे मार्केट में हमने गाड़ी पार्क कर ली है, और अब यहाँ से पैदल रास्ता है लगभग 1 किलोमीटर बताया जा रहा है। तो यहाँ से अब 1 किलोमीटर ऊपर माँ चंद्रबदनी का मंदिर है। तो दोस्तों, आप बने रहिए और देखते ही रहिए। तो दोस्तों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं मंदिर के मुख्य द्वार तक। तो अब चंद सीढ़ियां बाकी रह गई हैं। तो चलो दोस्तों, चलते हैं जल्दी से। जय जूते यहीं पे उतार दे, यहीं पे उतार दे। तो दोस्तों, अब यहाँ पे जूते उतार रहे हैं। तो दोस्तों, अब ये कुछ सीढ़ियाँ और रह गई है ऊपर मेन मंदिर तक जाने के लिए। तो जैसे ही आप मेन मंदिर के गेट पे जाओगे, सबसे पहले आपको दर्शन होंगे हनुमान जी के। जय बजरंगबली।
और उसके बाद दूसरी साइड आपको दर्शन होंगी यहाँ पर भैरव देवता के। जय हो बाबा भैरवनाथ। तो चलो दोस्तों चलते हैं अंदर। तो दोस्तों फाइनली पहुँच गए मंदिर में। जय माता दी। तो चलो दोस्तों अंदर चलते हैं, अंदर दर्शन करके आते हैं। तो दोस्तों ये यहाँ पर दूसरा मंदिर है चंद्रवदनी मंदिर के सामने, और यहाँ पर भी बहुत सारे भगवानों की फोटो लगी हुई है। यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। तो दोस्तों बाहर की तरफ यहाँ पर देख लीजिए श्री भगवती श्री चंद्रवदनी की वंदना यहाँ पर लिखी गई है। तो दोस्तों ये देखा आपने माँ चंद्रवदनी का मंदिर। तो मंदिर के दर्शन हमने कर लिए हैं। तो दोस्तों यहाँ से नज़ारे देख लीजिए आप लोग। तो काफ़ी ऊंचाई पर ये मंदिर बसा हुआ है, लगभग समुद्र तल से 8000 फीट की ऊंचाई पर है। तो दोस्तों यहाँ से आपको जो नज़ारे लेंगे उनसे आप काफ़ी आनंदित हो जाओगे। दोस्तों बादल देख लीजिए, बादल भी हमसे नीचे और हम बादलों से भी ऊपर आ चुके हैं। थैंक यू मैडम। को नाना प्रसाद तौर पर बांटन छू, एक छिलक निकाल दे छिलक। दोस्तों पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सती के पिता राजा दक्ष ने बहुत ही बड़ा महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने भगवान शिव और मां सती को छोड़कर सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया। जब इस बात का समाचार माँ सती को पता लगी तो उन्होंने भगवान शिव से कहा कि हमें भी इस यज्ञ में सम्मिलित होना चाहिए। भगवान शिव ने यह कहकर बात टाल दी कि बिना आमंत्रित किए हमें इस यज्ञ में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। भगवान शिव के मना करने के पश्चात भी माँ सती इस यज्ञ में शामिल होने के लिए चल पड़ी। सती के माता के अलावा उनका वहाँ आदर संस्कार और किसी ने नहीं किया। माता सती ने राजा दक्ष से कहा कि आपने सभी देवी देवताओं को यहाँ आमंत्रित किया, उनको स्थान दिया, तो आपने हमें क्यों नहीं बुलाया। यह बात सुनकर राजा दक्ष ने भगवान शिव के बारे में अपमानजनक शब्द कह डाले। यह सब सुनकर माता सती काफ़ी क्रोधित हो गई और वह उसी यज्ञ कुंड में कूद पड़ी। इस घटनाक्रम का समाचार जब भगवान शिव को प्राप्त हुआ तो वो काफ़ी क्रोधित हो गई और उन्होंने राजा दक्ष का सर धड़ से अलग कर दिया और माता के जले हुए शव को कंधे में उठाकर वह तांडव करने लगी। उनके तांडव से संसार में पल्ले जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। पल्ले जैसी स्थिति उत्पन्न होने पर सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उनसे आग्रह किया कि इसका कोई हल निकाले।
भगवान विष्णु ने अपने सूर्यदर्शन चक्र से माँ सती के शरीर के 51 हिस्से कर डाले और जहाँ जहाँ ये हिस्से गिरे वहाँ वहाँ सिद्ध पीठ स्थापित हुए। तो दोस्तों उन्हीं स्थानों में से एक स्थान यह भी है, चंद्रकूट पर्वत। तो दोस्तों चंद्रकूट पर्वत पर माँ सती के शरीर का वदन वाला हिस्सा जा गिरा, इसीलिए इस स्थान का नाम पड़ा चंद्र बदनी। यहाँ दूर दूर तक आपको अनगिनत पहाड़ियाँ, हिमालय की अनगिनत श्रृंखलाएं दिखाई देगी। इन नज़ारों को, इस अनुभव को और इस अनुभूति को शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों दर्शन वर्शन कर लिए माता की और अब हम चल रहे हैं, तो चलो नीचे चलते हैं धीरे धीरे, ठीक है दोस्तों। दोस्तों दर्शन करके अब हम नीचे जा रहे हैं और यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगा, माता के दर्शन भी हो गए और यहाँ से नज़ारे तो क्या कहें। नीचे देख लीजिए बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं और बहुत ही अच्छी जगह है घूमने के लिए। तो आप भी यहाँ इस स्थान पे माता के दर्शन करने ज़रूर आएँ, क्योंकि ये जो है एक सिद्ध पीठ है, 51 जो सिद्ध पीठ है माता दुर्गा की, उन सिद्ध पीठों में से एक है। तो आप भी जरूर यहाँ आइए। तो ठीक है दोस्तों चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपको किसी और दिन किसी और वीडियो में किसी और जगह। तो आप ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप भी ऐसे ही कुछ और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड।